अरे गाइस, कैसे हो आप? आई हो आप लोग सब मस्त होंगे। तो टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज किस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है अमेजोन पर जो हमारा अमेजोन पे बैलेंस रहता है उसे हम बैंक में किस तरीके से ले सकते हैं, यानी कि बैंक में किस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास होने वाली है आपके लिए, इसलिए वीडियो को कम्प्लीट देखना। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी, यदि आप लोग चैनल को पहली बार देख रहे हो या पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो ऐसा कंटेंट और भी मैं आपको आगे देता रहूं। तो चलिए आज की वीडियो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने अमेजोन एप्लीकेशन पर। यहाँ आने मेरे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो है ओपन होता है। अब दोस्तों, मैं डायरेक्टली अपने अमेजोन पे में जो है क्लिक करूँगा। पहले अपना बैंक जो अमेजोन पे बैलेंस है उसे बताऊंगा और उसे बैंक में ट्रांसफ़र करके भी लाइव करके बताने वाला हूं। तो वीडियो बिना स्किप किए आपको सबसे पहले हम इस अमेजोन पे में क्लिक करते हैं। यहां क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आ चुका है। यहां पर देख सकते हैं इस तरीके का। और ये देखिए अमेजोन पे बैलेंस मेरा 50 रुपये, ज़्यादा नहीं है, मैंने अभी विड्रॉ किया है कि आपको बता सकूँ कि आप इसे किस तरीके से अपने बैंक में ले सकते हैं, यानी कि 50 रुपये आप अर्न कर रहे हैं या आपने अमेजोन पे में कमाया तो उसे बैंक में किस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए दोस्तों, आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन तो शो हो रहे हैं, वीडियो में आपको इसकी पूरी रियलिटी मिलने वाली है। और ऐसा आपको ये अमेजोन पे यदि आपको कोई फ्रॉड यूट्यूब में बताता है कि इस वेबसाइट से आप पैसे जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ऐसा आपको कभी नहीं करना। आपका अमेजोन एप्लीकेशन जो है, आपका अकाउंट वो बंद कर दिया जाएगा हमेशा के लिए यदि आप ऐसा करते हो। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, इस बैंक ट्रांसफ़र ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको सिंपल सा उस पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया इंटरफेस कुछ इस तरीके से ओपन होकर आ जाए। इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने आ चुका है। IFSC कोड, अकाउंट नंबर, री एंटर अकाउंट नंबर और निक नेम। अब आपको यहाँ अपने बैंक की डिटेल्स हैं जो है सबमिट करना है। IFSC कोड आपका जो भी होगा आपको वो डालना है, यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है और एक बार और अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ निकनेम, आपके जो बैंक में नाम है आपको वो यहाँ लिखना है। और कंटिन्यू वाला ऑप्शन जो आपको सामने दिख रहा है, आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने का पैसा ट्रांसफ़र अभी नहीं होगा, आपको थोड़ा सा बैक आना है। जैसे ही आप वहाँ क्लिक कर लेते हो तो फिर अपने इस वाले बैलेंस को जो है आपको वहाँ एक ऑप्शन दिया जाएगा पे करने का, यानी कि ट्रांसफ़र करने का। देखिए यहाँ पर आपको ऐड मनी करने का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन आपको जो है यहाँ बैंक पर जैसे ही आप अपना बैंक अकाउंट लिंक करते हैं, बैंक अकाउंट जोड़ते हैं, तो उसके बाद जो है आपको पैसे जो है बैंक ट्रांसफ़र में करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और सफलतापूर्वक से आप अपने पैसे को अमेजोन पे बैलेंस को अपने बैंक पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आपको ये याद रखना कि जब भी हम बैंक अकाउंट अपना लिंक करेंगे तो उस पर अकाउंट नंबर आपको 2 से 3 बार मिला लेना है, सही फिल करना है। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर स्टेट बैंक अपना बनाया हुआ इस तरीके से। आपको यहाँ पर जो मैं अभी फिर एक बार जब डालूंगा तो मेरा ओपन हो जाएगा। तो फिलहाल मैं मेरे पास अभी जो है अभी मैं पासबुक है नहीं है, यदि उसको लाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इतना बता दिया, मेन ट्रिक आपको बता दी, बाकी आप खुद समझदार हो, आप खुद कर सकते हो। तो आई होप जो मैं इस वीडियो में आपको बताने एवं समझाना चाहता था आपको समझ पर आया होगा। यदि इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प या थोड़ा सा भी मदद मिलती है ना, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो ऐसा कॉन्टेंट और भी आगे आपको देखने को मिलता रहे। और यदि दोस्तों आपने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो नहीं किया और आपके मन में कोई सभी सवाल मेरे बारे में है, तो आप मुझे हर वीडियो के सेक्शन पर, कमेंट सेक्शन पर सवाल पूछ सकते हैं। नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मेरा अकाउंट फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां मेरे से कोई सा भी सवाल पूछते हैं तो मैं उसका आंसर आपको वहीं दे देता हूं। और आप लोगों के ही कमेंट पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। आप जिस टॉपिक पर चाहते हो उस टॉपिक पर आपको इस चैनल पर वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरह आपको और आगे वीडियो देते रहें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।